गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम योर ज्योग्राफी पोर्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो यू नो वट इज़ वेजिटेशन? द ग्रीनरी, द ग्रीन कवर, द फॉरेस्ट एरिया यू सी अराउंड योर सेल्फ, दैट इज़ योर वेजिटेशन. एंड वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड एनिमल्स वेन दे लिव इनसाइड द वेजिटेशन, that is the wildlife. You can see in the pictures, that is natural vegetation, this is the wildlife. So students, these are also the natural resources. So about them only we will study about this, and we will study in this chapter. In the beginning, the earth was a barren planet. So barren planet means koi forest cover nahi tha, koi life nahi thi. There was no life in water or on land. Gradually life appeared in the ocean in the forms of plant. You know, in the beginning life appeared in the oceans in the form of plants. Slowly various other types of organisms appeared on the earth, which were broadly classified as animals and plants. So afterwards, after the plants, they appeared in oceans. Afterwards many organisms came into light. So they were classified into plants and animals. The assemblage of plant species in an environment is known as natural vegetation. ये पता होना चाहिए आपको. So plant species जितनी भी है environment में, that is known as natural vegetation. Natural vegetation includes forest, grasses and shrubs. So देखो, जो natural vegetation है जिसको हम grow नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से grow हो रही है, ठीक है. वो forest है, grass है और shrubs हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ. In this chapter we will study about natural vegetation and wildlife. So students, natural vegetation. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अब देखो, जो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो रेनफॉल है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट दे डिसाइड कि वट काइंड ऑफ प्लांट्स विल बी देयर, राइट. इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ हैवी, द फॉरेस्ट आर थिक एंड डेंस. जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा घने और थिक होते हैं. As the rainfall decreases, the size and concentration of trees also reduce. अब जैसे जैसे क्या होता है, rainfall कम होता जाता है, size और concentration means पेड़ भी कम होते रहते हैं. Shrubs and short trees are common in the areas of low rainfall or in desert areas. अब जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर shrubs, छोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, ठीक है. In cold regions, the growing season is very short. अब देखो, जो cold areas हैं, ठीक है, वहाँ पे तो सीज़न ही बहुत छोटा सा होता है, बाकी टाइम तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है. देयरफॉर प्लांट्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेस इन द फॉर्म ऑफ मॉसेस एंड लाइकेन्स, ठीक है, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रीनरी दिखती है हमको वहाँ पे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन रीजन्स इन द ऑफ द वर्ल्ड. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. तो बेटा, अब हम इस चैप्टर में, इस क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, कि कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, कहाँ हैं और कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. तो फॉरेस्ट क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. नंबर 1, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. नंबर 2, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. नंबर 3, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, वी विल टेक अप ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. On the basis of temperature and rainfall, tropical hardwood forests are further subdivided into 2 groups. Tropical evergreen, tropical deciduous. अब देखो, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये आगे 2 में डिवाइड हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल deciduous. फाइन, इसकी 2 डिवीजन्स हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट की. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए इनका नाम ही रख दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. बिकॉज दे हैव कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर हैवी रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर. तो ये कहाँ है, ये ऐसे एरियाज में हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. All the trees of these forests do not shed their leaves at the same time. Hence the forest always appear green. अब जैसे मान लो, कितने सारे trees हैं यहाँ पर, बहुत सारे trees हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, तो सभी trees ना
एक साथ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते. सपोज अभी इस लीव ट्री ने लीव्स शेड कर दी, अब इसने कर दी, बाकी तो ग्रीन रहेंगे. सो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही ग्रीन है. सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, क्या क्या नाम है इनका? एक तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून एंड गैबन इन अफ्रीका. तो ये इनके एरियाज हैं. अब देखो आपकी बुक में ये मैप भी दिया हुआ है. इस मैप को आप अपने आप अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन क्लियरली हेयर इन द मैप. ओके, यू कैन स्टडी. देन इन इंडिया दे आर कॉमन इन द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो इन इंडिया, देखो इंडिया में भी हैं, यू कैन सी. ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये एवर ग्रीन है. ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, दैट इज़ दी वेस्टर्न घाट. और ये देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, सो यहाँ से पढ़ के वहाँ मैप में आप रिलेट करो इसको. ठीक है, द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर दीज फॉरेस्ट आर हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एंड हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन इन फॉरेस्ट के लिए है, नंबर वन, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर. उसके अलावा क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहना चाहिए. द हार्डवुड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, समटाइम्स रीच अप टू 60 meters. देखो 60 meters तक भी हो सकते हैं ये. सेवरल स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन अ सिंगल एरिया. दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाई डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. हम इन फॉरेस्ट को पहचानते कैसे हैं, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा. द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव टू परमिट ट्रांसपीरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर. सम ऑफ द टिपिकल ट्रीज आर मोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर एंड पाम. द एनिमल फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट आर एलिफेंट, लेमूर, मंकी एंड डियर. सो एनिमल्स भी आपको पता होना चाहिए, नेम ऑफ द ट्रीज भी पता होना चाहिए, यू कैन सी हियर. सो स्टूडेंट्स, अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी टूडे. रिवाइज द चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिविजन, सो आप आज ही लर्न कर लो. ओके, एंड ट्राई टू रिलेट दिस मैप विद द टेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.